स्वागत करती हूँ आप सभी का जय भारत में। तो आज हम आप पहुँचे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन रिसर्च पटना में, जो कि पटना का सबसे बड़ा नर्सिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर MBBS की पढ़ाई को छोड़कर यहाँ हर तरह की मेडिकल नर्सिंग की पढ़ाई होती है, जैसे कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट, OT टेक्नीशियंस, मेडिकल हर्ब्स, मेडिकल ड्रेसिंग, इन शॉर्ट यहाँ बहुत से ऑप्शन हैं। तो हम चलिए जानते हैं यहाँ के स्टूडेंट से कि यहाँ कितने ऑप्शन हैं और वो इस ऑप्शन से आगे फ्यूचर में क्या क्या करने वाले हैं। क्या पढ़ क्या रही हैं आप? बैचलर ऑन फिजियोथेरेपी कर रही हूँ 2016-17 से यहाँ पे। तो ये कितने दिनों का कोर्स होता है? 4.5 years का कोर्स होता है। तो अभी आप कितने साल हुए? सेकेंड ईयर में हम लोग। अभी सेकेंड ईयर में हो। तो ये फिजियोथेरेपी से ऑप्शंस क्या हैं, फ्यूचर में इसके क्या ऑप्शंस हैं? बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फॉरेन में है, यहाँ पे है, जिसमें जिनको पेन है, बहुत जॉइंट्स में पेन हुए, जो चल नहीं पा रहे हैं, जो फिजिकली नहीं एबल हैं, उन लोग में बहुत, उनको ट्रीट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनको ठीक करने के लिए। ओल्ड एज में पर्सन आ जाते हैं जिनको बहुत सारे चलने में प्रॉब्लम्स हैं, पेन होते हैं जॉइंट्स में, हाथ उठाने में बहुत सारे प्रॉब्लम, उन लोग को ट्रीट करते हैं। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ, और यहाँ से मतलब जो भी यहाँ से पढ़ के निकलेंगे तो टेस्ट वगैरह करेंगे जो डॉक्टर लोग लिखेंगे, तो उसी के बारे में हम लोग अपना रिपोर्ट देंगे, तो डॉक्टर उसी के हिसाब से जो मेडिसिन होगा। तो मतलब इस, ये कोर्स कितने दिनों का होता है? ये 3.5 साल का कोर्स है। और मतलब आप यहाँ 12th के बाद आए थे यहाँ पे इस कोर्स को करने के लिए, या फिर ग्रेजुएशन के बाद आए? जी, मैं 10+2 के बाद आया हूँ। तो ये पढ़ाई के बारे में थोड़ा जानकारी हमें और दो। जी, हमारे एक्सरे टेक्नीशियन हैं, बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी। जी, ये पढ़ाई करने के बाद एक्सरे किया जाता है, MRI टेक्नीशियन रहा जाता है, CT स्कैन किया जाता है। कितने सालों का कोर्स होता है ये? 3 साल की कोर्स है, 6 month इंटर्नशिप है। मैं क्या कर रहा हूँ? BPT कर रहा हूँ मैं। BPT का फुल फॉर्म क्या है? बैचलर इन फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। फिजियोथेरेपी मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है, जिसके द्वारा हम वेरियस डिफर्मिटीज को चेक करते हैं और डायग्नोस भी करते हैं और ट्रीट भी करते हैं। इसके जरिए हम, ये MBBS और BDS के लेवल का कोर्स है, और इसके जरिए हम बतौर प्रैक्टिस डॉक्टर के तौर पर हम वेरियस डिफर्मिटी को डायग्नोस के द्वारा मतलब चेक करके और उसे ट्रीट भी करते हैं। और यहाँ पे 12th बाद, ये साइंस करने के बाद आप इस कोर्स को कर सकते हैं, और इसका स्कोप यहाँ भारत में, इंडियन रेलवे में, इंडियन आर्मी में, और अपना खुद का प्रैक्टिस भी चला सकती हैं आप। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि यहाँ एडमिशन लेने के लिए क्या प्रक्रिया क्या होती है, मतलब एडमिशन कैसे लेंगे इस कॉलेज में अगर हमें लेना हो एडमिशन? तो यहाँ 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन लिया जाता है। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले यहाँ नहीं आ सकते, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले यहाँ आ सकते हैं? बायो वाले आ सकते हैं। तो इन्होंने फिजियोथेरेपी से रिलेटेड बहुत सी जानकारियाँ हमें दी, हमारे साथ हैं डिपार्टमेंट हेड भी हैं, तो उनसे भी जानेंगे यहाँ से रिलेटेड कुछ और जानकारियाँ। ये बताएं कि सर यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो कितने प्रकार के ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स के लिए? इस इंस्टीट्यूशन में कई सारे एलाइड हेल्थ कोर्सेज एंड पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, जिसमें फिजियोथेरेपी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, एक्सरे टेक्नोलॉजी, BEd स्पेशल एजुकेशन, कई तरह के कोर्सेज हैं, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक इंजीनियरिंग, बैचलर इन स्पीच थेरेपी। इन सारे कोर्सेज करने के लिए 10+2 जो है पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पे इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के बाद हम लोग सेलेक्ट करते हैं वैसे बच्चों को, और वो अपनी पढ़ाई पूरी करके तुरंत उनको जॉब मिल जाता है, या तो प्राइवेट सेक्टर में इमीडिएट वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर पे टाइम टू टाइम वैकेंसीज निकलते रहती है। इसके अलावा कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं और डिग्री कोर्सेज भी हैं। तो इस तरह से जो है बच्चे लोग पढ़ाई करके बाद में डिप्लोमा वालों को भी ऑप्शन मिलता है। मुझे ये भी जानना है सर कि यहाँ फैसिलिटीज़ किस प्रकार की मिलती हैं स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट को फैसिलिटीज ये मिलती है कि जो स्पेशलिस्ट हैं, जो टीचर्स हैं, चाहे फिजियोथेरेपी कोर्स में हो, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स में हो, सारे कोर्सेज के लिए बाहर से भी लोग आते हैं, यहाँ भी इंटरनल टीचर हैं, और फिजियोथेरेपी में सर्जरी की पढ़ाई होती है, फार्माकोलॉजी की पढ़ाई होती है, एनाटॉमी होती है, फिजियोलॉजी होती है, तो उसके लिए हम लोग फिर बाहर से भी गेस्ट लेक्चरर, खास करके जो MBBS के बाद
एनाटॉमी के स्पेशलिस्ट हैं उन लोगों को बुला करके जो है कोर्स करवा ये पढ़ाई करवाते हैं। इसके अलावा क्लिनिकल की फैसिलिटीज है हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशन में संस्थान में काफ़ी सारे फिजियोथेरेपी के केसेज आते हैं, बच्चे लोग उन पर असेसमेंट करके ट्रीटमेंट प्लान सीखते हैं। उसी तरह से मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, उसमें भी जो है बच्चे लोग टेस्ट के लिए सीखते हैं। तो फैसिलिटी सारी है, प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों की फैसिलिटी है, और बच्चे लोगों के लिए हॉस्टल की सुविधा है, बसेज हैं, और फिर जो अपने ऑन अरेंजमेंट से आते हैं वो यहाँ आते हैं। तो ये तो हमने जाना यहाँ के प्रोफेशनल्स की राय, लेकिन अभी हम और भी जानेंगे कि यहाँ जो बच्चे हैं उनसे कुछ इस फील्ड से रिलेटेड और भी जानकारियाँ हम और हासिल करेंगे। तो आपका नाम क्या हुआ? राहत जिया। तो आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे? MLT। MLT का फुल फॉर्म मतलब इसका क्या हुआ? बैचलर ऑफ मेडिसिन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। मतलब इसको करने के बाद मतलब क्या ऑप्शन है फील्ड में? बहुत सारे ऑप्शन है मैम, जैसे कि बैचलर करने के बाद हम लोग कोई भी लैब ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से बहुत कुछ सीखने के बाद फिर हम मास्टर चाहें तो मास्टर करके रिसर्च सेंटर में जा सकते हैं। बहुत सारा स्कोप है इसका। और भी ऑप्शंस के बारे में हम जानेंगे, हमारे साथ बहुत से स्टूडेंट हैं। तो आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे? बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन, दैट मींस BA MLT। ठीक है, जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जब फील्ड में निकलते हैं तो अपना लैब सेटअप डालते हैं, जो पैथोलॉजी जिसको बोलते हैं, पैथोलॉजी से रिलेटेड जो होता है ब्लड कलेक्शन से लेके ब्लड से रिलेटेड जो टेस्ट होता है, स्पुटम हो गया, स्टूल, यूरिन प्लस अदर जो फ्लूइड्स होते हैं जो एक रूटीन टेस्ट के अंदर आते हैं, सारा चीज़ किया जाता है। तो मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह किस तरीके से मतलब करने मिलता है आप लोगों को? यहाँ पे कॉलेज का एक लैब है जहाँ पे प्रैक्टिकल होती है, सारे स्टूडेंट्स की स्टडी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होती है, और पहले थ्योरी जो होता है कंप्लीट करवाया जाता है, उसके अनुसार फिर प्रैक्टिकल बताया जाता है, ब्लड टेस्ट जो होता है उसमें क्या क्या होता है उसको पहले डिटेल से बताया जाता है, फिर हम लोग उसको माइक्रोस्कोपी से देखते हैं, और अदरवाइज जो इंस्ट्रूमेंट है हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे। इंटर्नशिप के बाद क्या जॉब ऑप्शन तुरंत आपको मिल जाता है मार्केट में जब आप आते हो, फील्ड में जब आते हो? हाँ, तो वो तो डिपेंड करता है स्किल्स, जो स्टूडेंट्स जितने अपने टैलेंट रखते हैं, जितना उसके इसके अंतर्गत होता है, जैसे कि जो नॉलेज जिस अनुसार होता है वैसा होता है। तो बहुत सारा फील्ड है, इसमें बहुत सारा लैब है जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, कॉलेज की तरफ से भी मिलती है, अगर आप अच्छे हैं, अच्छे काम करते हैं तो आपको वो अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। फ्यूचर में क्या ऑप्शन इसमें? तो सबसे पहले देखा जाए तो मेडिकल साइंस के ही आई है, कोई भी डॉक्टर्स हो, बिना हम लोग मतलब लैब टेक्नीशियन के अपना वो पूरी तरह से जांच नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस फील्ड का आई हैं। तो मतलब आपको ये दिमाग में कब आया, 12th के बाद आया, कब आया कि आपको ये लैब टेक्नीशियंस का पढ़ाई करना है आपको? मैम, ये तो दिमाग में आया हमको 1-2 साल नीट की तैयारी करने के बाद आया। आपको गवर्नमेंट में ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं या फिर प्राइवेट में? ये तो अपने टैलेंट के ऊपर है, क्योंकि गवर्नमेंट्स में बहुत सारे वैकेंसी आती हैं समय समय पर, तो उसमें अगर तो हो मतलब जाता है। प्राइवेट्स में भी वैकेंसीज आते रहती हैं? जी जी, मेन मैक्सिमम मैम प्राइवेट कॉलेज हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज तो बहुत सारे कम ही हैं, आप भी देख रहे हैं बिहार में मात्र 9 है। ये हमें बताएंगे आप क्या कर रहे हैं और नाम बताइए। ग्रेजुएट हो जाना, BA कर लेना, BSc कर लेना, उसका बेरोजगार होना, उससे बेहतर है कि एक टेक्निकल हैंड अपना ले और हम कहीं भी जा करके अपना रोजगार ढूंढ ले, अपने पे निर्भर हो जाए, ये मतलब सोच करके मैंने बहुत सही कहा। अगर हम 12th के बाद इस तरह की चीज़ें करते हैं या इस फील्ड में आते हैं तो ऑप्शंस की कमी नहीं है आपके पास। बहुत बार ऐसा होता है कि हम करियर ऑप्शंस में बहुत अच्छे अच्छे मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि अरे यार क्या करें क्या ना करें, लेकिन उसके बाद अगर हम इस फील्ड में आते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस की कमी नहीं होती है। आजकल का जो पॉपुलेशन है वो मेडिसिन पे जाता है, बट जब उनका वो पेन्स वगैरह ठीक नहीं होता तो वो थक जाते हैं, फिर सोचते हैं क्या करें, लेकिन वो अगर फिजियोथेरेपी वाले डिपार्टमेंट के तरफ आएंगे तो उनका जो पेन है वो ये डिपार्टमेंट अच्छी तरीके से ठीक कर पाएगा। बहुत सारे यहाँ पर एक्सरसाइजेज हैं, मसाज हैं, अलग अलग तरह के चीज़ हैं जिससे पेन्स बड़ी आसानी से ठीक हो जाती है बिना मेडिसिन के और बिना सर्जरी के। फिजियोथेरेपी एक ऐसा सोल्यूशन है कि आप उससे जो पेन को है बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, या मतलब या तो मतलब ये भी कह सकते हैं कि पूरा जो वो आपका जो पेन है वो बिल्कुल आप ठीक ही कर सकते हैं फिजियोथेरेपी की मदद से। तो इसीलिए जो यहाँ बहुत सारे जो बच्चे हैं वो फिजियोथेरेपी की ओर ज़्यादा आकर्षण है और बहुत तेज़ी से उसकी तरफ रुझान रखते हैं और आगे बढ़ रहे हैं इस फील्ड में। तो देखा आपने कि यहाँ कितने ऑप्शंस हैं। अक्सर ऐसा क्या होता है ना कि जब हम 10th करते हैं या फिर 12th करते हैं तो ऑप्शंस के लिए हम इसे सोचते रहते हैं कि अरे यार क्या करें कहाँ जाएं, लेकिन
अगर आप इस फील्ड में भी अगर आप ऑप्शंस ढूंढते हैं तो आपको बहुत से ऑप्शंस मिल जाएंगे और ऑप्शंस की कमी नहीं मिलेगी। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि आप बेरोज़गार भी नहीं रहेंगे अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो, क्योंकि यहाँ बहुत से ऑप्शंस हैं जैसा कि आप सबने देखा। तो इस वक्त हमारे साथ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन रिसर्च के चेयरमैन अनिल सुलभ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अजय भारत में। धन्यवाद आपका लवली जी, और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों, अजय भारत के सभी दर्शकों का भी बहुत अभिवादन करता हूँ। सर, आप हमें सबसे पहले इस संस्था के बारे में बताएं। देखिए, यह संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च जो बेउर पटना में है, अभी यह मानवीय समाज कल्याण केंद्र एक संस्था है, पंजीकृत संस्था, उसके द्वारा संचालित हो रही है। और इसमें रिहेबिलिटेशन और पैरामेडिकल के, विकलांगता या विकलांगों के पुनर्वास से संबंधित पाठ्यक्रमों और अर्ध चिकित्सकीय पाठ्यक्रमों में, जिसे पैरामेडिकल हम कहते हैं, इन पाठ्यक्रमों में यह प्रशिक्षण देने वाली देश की पहली गैर सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान है। 1990 में जब हमने इस संस्थान की स्थापना की, उस समय पूरे भारतवर्ष में कोई भी दूसरी संस्था निजी क्षेत्र में नहीं थी जो इन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान करती हो, खासतौर से विकलांगों के पुनर्वास के संबंध में। और यहाँ तक कि फिजियोथेरापी क्या है, ये अस्थि रोग विशेषज्ञों को छोड़ दें तो सामान्य चिकित्सक गण भी नहीं जानते थे कि ये फिजियोथेरापी की भूमिका क्या है। और आज आप देखेंगे कि पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में अब किसी भी अस्पताल की कल्पना फिजियोथेरापी के अभाव में लोग नहीं कर सकते हैं। इसकी महत्ता को लोगों ने अब समझा है जा करके। और पहले हम लोगों ने डिप्लोमा से इसकी शुरुआत की थी कि 1990 में राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर डिप्लोमा के 5-6 पाठ्यक्रम आरंभ हुए थे, जिसमें फिजियोथेरापी था, ये कृत्रिम अंग बनाने का अभियंत्रण का पाठ्यक्रम होता है, उसको प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, वो एक्सरे और मेडिकल लैब, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन आदि पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण डिप्लोमा का शुरू हुआ पहले, और 90 में, और उसके बाद 97 से इन पाठ्यक्रमों में स्नातक की पढ़ाई शुरू हुई, डिग्री की। और उसके पश्चात कुछ पाठ्यक्रमों में मास्टर डिग्री की पढ़ाई शुरू हो गई है, जिसमें फिजियोथेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरापी ये सब शामिल है। ये इस संस्था की विशेषता ये रही कि अपनी स्थापना के काल से, यानी 1990 से लेकर के अब तक, खास तौर से विकलांगों के पुनर्वास में बहुत सारे कार्य किए। एक तो प्रशिक्षण चल ही रहा है, उनकी सेवाएं उनकी हो रही हैं, पुनर्वास के कई शिविर लगाए गए और लगाए जाते रहे हैं। विकलांगों को हम लोगों ने तिपहिया साइकिल, व्हील चेयर, श्रवण यंत्र, हियरिंग एड जिसे कहते हैं, और जो भी सहायक सामग्रियां होती हैं जिसको रिहेबिलिटेशन एड्स कहते हैं, पहली बार हमने अगर इन क्षेत्रों में पाठ्यक्रम आरंभ किया तो इसमें उच्च स्तर की पढ़ाई भी हमने पहले शुरू की। तो इस प्रकार से ये संस्थान अग्रणी है, और इस संस्थान के विद्यार्थी यहाँ से उत्तीर्ण हुए छात्र छात्राएँ पूरे देश में ही नहीं, दुनिया में बहुत स्थानों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी पाठ्यक्रम हैं उस सब में एक तो भारी कमी है विशेषज्ञों की, प्रोफेशनल्स की, और इसलिए एक वैश्विक मांग है इनकी, एक ग्लोबल डिमांड इसको अंग्रेजी में कहते हैं। और इसलिए हाथों हाथ ये विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए लोग लिए जाते हैं। हमारे यहाँ कई नौकरी देने वाले लोगों की चिट्ठियाँ आती रहती हैं भेजने के लिए, और वो प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध नहीं होते हैं, तुरंत तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व हो गए रहते हैं। तो एक प्रसन्नता और परितोष की बात इस संस्थान के लिए है, और हमने बराबर ही कोशिश की कि विद्यार्थियों का भविष्य हमेशा सुनिश्चित किया जाए। इसलिए जब भी जो भी पाठ्यक्रम यहाँ शुरू किए गए वो सारी आवश्यकताओं को पूरी करने के बाद आरंभ हुए, राज्य सरकार की स्वीकृति ली,
हमने जब स्नातक स्तर का या स्नातकोत्तर स्तर का पाठ्यक्रम शुरू किया तो अभी विश्वविद्यालय और राज्य सरकार से स्वीकृति ली। भारतीय पुनर्वास परिषद जो विकलांगों से संबंधित जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते हैं उसकी रेगुलेटरी बॉडी है, तो उससे स्वीकृति लेकर के हम उनके पाठ्यक्रम शुरू किए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आज के हमारे सेगमेंट में बस इतना ही, लेकिन हम इसी तरह के मज़ेदार सेगमेंट आपके पास हमेशा लाते रहेंगे। लेकिन तब तक की लैब हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहें अजय भारत।